वो पानी किने निकाले जाए निकाले अरे वो रस्ता तो बना जामे कहाँ हो रो काम हाँ। वो सही तो पड़े वो सही फार्मर कर रहा हूँ हाँ, काम चलो काम चलेगा तो ये भाई साहब बोल रहे काम हो रहा है। हमने छह प्लांट तो हमने होगा हमने बहुत दो आज तक खत्म ना हो यहाँ 35 बार बहुत दो आज तक काटना है खत्म हो जाएगा कार्यकाल तो अगले में बनेगा अगली बार बन जाएंगे विधायक। मुश्किल बात है रोजाना पानी बढ़ा रही खेतन में। अच्छा हाँ हमने ना जान दिया वीजा डम। अच्छा जी हाँ मतलब आप सोते थे फटकार के हाँ और वो पानी बढ़ा हुई हमारे खेतन। अच्छा। जनता तो ये बोलते है देखना चुनाव आने पर 70,000 वोटों से जीतेगी जायदा खान। अच्छा पांच काम गिनवा दिया आपके बगल में बैठ के बोल रहे काम नहीं हुआ एक भी काम नहीं हुआ हमारे गाँव में। अच्छा कहा काम हो रहा आप तो बोल रहे विधायक बनेंगे दोबारा। अरे बस बन गो काम विकास अभी काम कराया आज तक नहीं हुआ 70 सालों में रिकॉर्ड निकाल के देखो एक एक मेरे ध्यान में थोड़ी एक एक काम। जब हमारे गांव में विकास नहीं है तो हम कैसे मानेंगे भाई कहीं पे विकास कराया इसने। कसको वोट दोगे आपके जायदा की हाँ चलो तुमने तो बोला सीसी रोड बन गए हाँ मैं दिखा के लाता हूँ ना तुम्हारे आगे बोल रहा है। अरे तो बाबा मैं तेरे सामने दिखाऊंगा ना बोले 70,000 से जीत होगी जायदा की। हाँ तो ब्रांड है यहाँ तो जायदा खान है तभी विरोध हो रहा तभी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं दुनिया जाने क्या क्या कहे हाँ। हम जा भी जाग चीज की कही वही पूरी करी। 10 में से जायदा को कितने नंबर दोगे? 0.01% थोड़ा कम कर लो नहीं इतना ही थोड़ा सा। अब ये थड़ी है इसमें दो बार गांव जुड़ा है उसने कहा भाई इसको मैं फुटवाता हूँ और अभी कंप्लीट करवाता हूँ तो अब हम ना फुटवा रहा क्या करेगा जायदा क्या करेगी। राजस्थान के कामा विधानसभा चुनाव का जो वक्त है वो लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कामा विधानसभा के गांव जोधपुर में और जोधपुर गांव की ये थड़ी है जहां पर सभी तरीके के लोग इकट्ठा होते हैं गांव के सभी जिम्मेदार लोग बैठ करके यहां पर राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। इसके अलावा गाँव में कौन कौन सी समस्याएं बनी हुई है उन सब पर बैठ करके विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। हमारे साथ गांव के सभी जिम्मेदार लोग हैं इनसे बात करेंगे कि कामा विधानसभा का चुनाव होने वाला है ऐसे में अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर के कामा विधानसभा की जनता मतदान करने वाली है। हमारे साथ नौजवान तबका भी है हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं इन सब से बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपसे बात करेंगे क्या नाम है? शरीफ खान। अच्छा बताइए ये छोड़ दीजिए गाँव कौन सा है? जोधपुर। अच्छा ये बताइए अब की बार मतलब किसको मतदान करने वाले हैं आप? जायदा खान को। जायदा खान को। अच्छा ये बताइए कि जायदा खान ने कितना काम कराया है विकास? अभी काम कराया आज तक नहीं हुआ 70 सालों में रिकॉर्ड निकाल के देखो एक एक मेरे ध्यान में थोड़ी एक एक काम। अच्छा हाँ तो फिर ये बताइए कि जनता इतनी नाराज क्यों है? कहाँ है जनता नाराज जगह जगह कहाँ दो चार लोगों को इकट्ठा करके क्या हो रहा दो चार लोगों से? कौन है ये लोग जो इकट्ठा होते हैं? अपोजिट लोग बीजेपी के दलाल बीजेपी के लोग हैं हाँ उधर बनते हैं कांग्रेसी भी बनते हैं सारे बीजेपी के दलाल हैं। लेकिन जनता बोलती है कि जायदा के दलाल भी जनता तो ये बोलती है देखना चुनाव आने पर 70,000 वोटों से जीतेगी जायदा खान। अच्छा हाँ तो फिर मुर्दाबाद किनारे क्यों लगते हैं? तो ऐसे तो सब तरह के होते हैं और ये तो कहीं मुर्दाबाद किनारे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हर जगह लगते हैं हाँ। एक थोड़ी एक के लिए सारी जनता वोट थोड़ी देती है ना। अच्छा हाँ अच्छा ये बताइए कि पांच काम अपने गाँव के बताए कि पांच काम कौन कौन से करवाए जोधपुर गाँव में जायदा ने? जायदा के ही काम है यहाँ पे। कौन कौन से गिनवाए? पांच काम गिनवाए ज्यादा नहीं पांच काम से। पांच काम हाँ गांव में ये जो जिस चौपाल पे खड़े हो ये सैंक्शन हुई पड़ी है दो चार दिनों में काम स्टार्ट होने वाला है इसी पे एक तो ये देख लीजिए सैंक्शन हो गया हाँ, एक काम वहाँ नाले से लेके वहाँ तक देख लीजिए वो क्या हो सीसी रोड हाँ कम्प्लीट है दो काम हाँ और एक यहाँ से लेके पीपरवाड़ा के कुआं तक देख लीजिए तीन काम एक स्कूल इंग्लिश मीडियम सैंक्शन हुआ पड़ा है हाँ। समसल काम है चार काम हो गए हाँ। एक इस चीज को देखो यहाँ से लेके उस पे मजीदा सरपंच की तरफ पांच काम हो गए हाँ। चलिए क्या नाम बताया? शरीफ खान जी बाबा क्या नाम है? आस मोहम्मद क्या नाम बताया? हसीन शरीफ खान शरीफ ने पांच काम गिनवाए आपके गाँव के काम हुए कि नहीं हुए? भाई हमने पता ना भाई कैसे नहीं पता काम में नहीं जब हमारे काम ही ना हो जब हमारे काम ही ना हो काम नहीं हुए हाँ तो बता दो दे पांच काम हमारे तो हो ना जब काम आज फरे पड़ो है आज फरे पड़ो और कौन कौन से काम पड़े आज फरे बताओ ये भागा वाला आज फरे पड़ो। अच्छा हाँ ये नालो ये आज फरे पड़ो
स्कूल अपग्रेड हुआ इंग्लिश मीडियम बना अभी ना बनो आप तो बोले बन गया। बनने की नहीं बोला मैंने, सैंक्शन हुआ पड़ा, बनेगा एक मिनट में थोड़ी बन जाएगा। कब सैंक्शन कब हुआ? अब तो कार्यकाल खत्म होने वाले है, शिक्षा मंत्री थी तो अगले में बनेगा। खत्म हो जाएगा कार्यकाल तो अगले में बनेगा, अगली बार बन जाएंगे विधायक। मुश्किल बात है। हाँ भाई बता, विधायक बन जाएगी दोबारा? अरे वो तो बनती आ रही है यार, बनती आ रही है, बनेगी तो फिर काम होगा। ए बाबा काम तो होएगा भाई साहब। कब होगा काम? भाई टाइम तो लगेगा। कितना टाइम लगेगा क्या पता भाई, टाइम की कहाँ पता भाई, टाइम लगेगा। अच्छा ये बताए कि जो जायदाद कितना विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? विरोध कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ विरोध नहीं है। अभी आपके मुर्दाबाद के नारे लग जाएंगे तो आप बोलेंगे कुछ नहीं है मतलब आप। अच्छा आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, हैं? बोल रहे हैं लोग तो बोल रहे हैं टिकट कटेगा। हंसिए मत बताइए। कहाँ पूछ रहे लोग तो बोल रहे हैं कांग्रेस का टिकट कटेगा है तो यही बात है। चलिए ये हमारे साथ गांव की जनता है जी। भाई साहब क्या नाम है? अंसार खान एडवोकेट मतलब अधिवक्ता हैं आप। क्या लग रहा है कि काम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ हमारे गांव में, कुछ काम नहीं हुआ बिल्कुल नहीं। भाई साहब ने पांच काम गिनवा दिया, आपके बगल में बैठ के बोल रहे काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं हुआ हमारे गांव में, एक भी काम नहीं हुआ गिनवा के मैं बताता हूँ। ये थड़िया जो इस पर भी चर्चा चली थी इस पर भी, लेकिन इसका काम रोक दिया गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पे किसी भी। अच्छा इस पे डिस्कस हुआ था, डिस्कस होने के बाद में इसको रोक दिया गया है कि इस पे काम नहीं चलेगा अभी किसी भी। मना कर दिया गया अभी इस पे कोई काम नहीं चलेगा। क्यों भाई साहब बोले सैंक्शन हो गया? भाई साहब गांव वालों ने मना करा कि हम नहीं बनवा रहे। अरे जब मना ही हो गया तो फिर गिनवा क्यों रहे हो? नहीं सैंक्शन है फिलहाल में भी, तो वो चल रहा है। सरपंच कह रहा है कि बनवाओ भाई बनवाओ, जल्दी से काम स्टार्ट करवाओ। अब गांव वाले नहीं करने देंगे तो फिर क्या जबरदस्ती करेगा वो? भाई ये बताओ क्यों मना करते हो आप लोग? ये तो काम हो रहा है, मना कर रहे हो आप लोग? मना कर रहे हो बाबा? मतलब थड़ी को नहीं बनने देंगे आप लोग? हम कल मैंने कट दो आज बने बना बना ही ना जब ना बना ना। आप तो बोल रहे काम हो रहा है, कहाँ हो रहा काम? हाँ। वो से ही तो पढ़िए, वो से फार्मर कर रहा हूँ। हाँ काम चलो, काम चलेगा तो ये भाई साहब बोल रहे काम हो रहा है। अरे हमने छह प्लान तो हमने होगा, हमने बहुत तो आज तक काटो ना ही नहीं खत्ता ना हो यहाँ 35 बार बोर तो ना आज तक काटो ना है। छह प्लान काटा बोर नहीं काटा, बोर ना काटो, छह प्लान होगा। वहाँ जीतते जीतते हमने वोट देते देते और एक बोर ना कटो आज थोड़ी बस। अच्छा हमारे पे और कहा काम हो रो? आप तो बोल रहे विधायक बनेंगे दोबारा। अरे बस बन गो कम्प्लीट, खाट बिछाड़क दे रही हूँ। ये भाई साहब बोल रहे सीसी रोड बना दिए पूरे गांव में, इससे तो पानी भरो पड़ो, तू निकल कर बचा दे, तू रही तो मैं बचा दू, मेरे गैल में निकल जाऊंग मतलब मुझे फंसाओगे? वही तो फंसाऊंगा जब तू ले जा रहा है या बना के। भाई साहब इन खुद लोगों ने आतंक कर रखा है, रास्ते पे डाल रखा पानी खुद लोगों ने, मतलब ये आतंक है? हाँ ये आतंक है, आतंक है आप। अरे तो बकवास है, जायदा का दोष दे रहा उसमें था। वो पानी किन्हें निकाले जायदा? क्यों निकाले? किन्हें निकाले? अरे वो घर से बना है जहाँ में 50 घर हैं, वो 50 घर को कम से कम किसी के घर का पानी है, वो मात्र एक घर का। किसका है? यही है जो बैठा है का पानी है, वो निकाल तो यार कहाँ जा रहा है? पूरे पूरे गांव को परेशानी इसने कर रखा है। पक्का रास्ता हो बना हुआ है कम्प्लीट, चलो मैं दिखा के लाता हूँ कौन सा काम नहीं हुआ। कम से कम 20 उनको घर को पानी जा रहा हो, वो कहाँ समान को पानी? घर का नहीं है, इसके अलावा पानी क्यों छोड़ते हो रोड पे? रोड ये पानी बोल रहा है, फिर बारिश का कहाँ भरे को? कस का घर भरे को बारिश पानी? अच्छा बरसात का पानी? हाँ कहाँ बरसात का, आप कहाँ भरे को? बोले जगह ही ना, जब किसी लकड़न में जगह नहीं पानी को, ये व्यवस्था बनानी चाहिए ना, किसी की बनाना चाहो। एक वकील साहब और खड़े उधर आ जाओ। अच्छा ये बताओ कि ये भाई साहब बोल रहे सीसी रोड बनवा रखी पूरे गांव में? भाई गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है कैसा भी। जो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए सेंसन होने के लिए बोल रहे हैं उसका अभी तक हमारे चर्चा में तो कोई नाम आया नहीं है कैसा। रिकॉर्ड में है? कोई रिकॉर्ड में नाम नहीं है अभी कैसा। झूठ बोल रहा है फिर ये? बिल्कुल झूठ, बगल में बैठ के झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है बगल में बैठकर। कोई भी कैसा भी कोई काम नहीं हुआ। गाँव के रस्तों को देख लो आप जाकर के, गाँव के रस्तों में भी पानी भरा हुआ है सब में, कोई विकास नहीं है। जब हमारे गांव में विकास नहीं है तो हम कैसे मानेंगे भाई कहीं पे विकास कराया इसने? अच्छा आज ये बताओ अब की बार किसको वोट दोगे फिर? भाई हम सीएम मुख्तियार को वोट करेंगे। सीएम मुख्तियार को जी? बोल रहे हैं कि उसको टिकट नहीं मिलेगा? टिकट नहीं मिलेगा तब भी उसको ही वोट देंगे हम। टिकट मिले या ना मिले? मिले या ना मिले हम उसको ही वोट देंगे।
अच्छा बताओ जायदा को कितने नंबर आपकी तरफ से 10 में से जायदा को कितने नंबर दोगे? 0.01% थोड़ा कम कर लो। नहीं इतना ही है, थोड़ा सा नहीं इतना ही है। अबे साहब जीरो नंबर दे रहे हैं? दे रहे हैं तो बताओ इसमें क्या है। आप कितना दोगे? 10। 10 और क्या, थोड़ा बहुत तो कम कर लो। नहीं कम क्यों करेंगे, 11% मैं दिखा के लाता हूँ ना सारा विकास जो हुआ है। हम मैं 10 दिखाऊंगा ना, आपने देख रहा है ना, आपने 5 मांगे ना, मैं आपको 10 विकास दिखाऊंगा ना गांव के। चलो मेरे साथ, तुमने बोला सीसी रोड बन गए, हाँ मैं दिखा के लाता हूँ ना। तुम्हारे आगे बोल रहा है, अरे तो बाबा मैं तेरे सामने दिखाऊंगा ना, तेरे इस कैमरे पे दिखाऊंगा ना, बनाया नहीं बना। अच्छा हाँ, बोलने से क्या है। कितनी वोटों से जीतनी? करीब 70,000 से। बोल रहे वोट नहीं मिलेगी अभी बार? कौन कह रहा वोट नहीं मिलेगी, गाँव में से भगा देंगे। से तीसरी बार 70,000 से। चलिए हम बाबा, क्या नाम है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बोल रहे 70,000 से जीत होगी जायदा की? हाँ तो ब्रांड है यहाँ तो जायदा खान है। हाँ। तभी विरोध हो रहा है, तभी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ब्रांड है। दुनिया जाने क्या क्या कहे। हाँ। क्या क्या कहे जाने कोई पता नहीं। अच्छा हाँ, चंद लोग तो कुछ भी बोलेंगे। ब्रांड का तो टिकट भी कट रहा बताया ना, कोई सवाल ही ना, ऐसे हो ही नहीं सके। तो भाग कहाँ रहे हैं? ना कहीं ना भाग रहे। अच्छा बताओ इनकी काम क्या कराया गाँव में इसने? रोजाना पानी बढ़ा रही हमारा आगे, रोजाना पानी बढ़ा रही खेतन में। अच्छा हाँ, हमने ना जान दिया वीजा डाम। अच्छा जी हाँ, मतलब आप सोते थे फटकार के? हाँ, और वो पानी बढ़ा हुई हमारे खेत में। अच्छा हाँ, इसे ज्यादा विकास क्या लोगे? और क्या यार, या सुफाल तो अब करेगी कहाँ। अच्छा हाँ, तो 10 में से कितना नंबर दोगे? 10 में से 10। 10 में से 10। एक आध तो काम कर लो ना, एक भी ना करो, इतना सा भी ना। अच्छा हाँ, कितनी बार आई मैडम यहाँ पे? यहाँ पे जब कहें जब आ जाए, जब बुलाए जब आ जाए। अच्छा कहाँ मांग रखी, कहाँ पूरी होगी? हम जा भी जाग चीज की भी कही वही पूरी करी। बाबा तो बोल रहे हैं पानी भरा हुआ है रोड पे। कौन सा पे? ये पीछे वाले बाबा। कौन बाबा? ये बाबा कहा कह रहे करो पानी भर पड़ो रोड पे। तो सरपंच को कहा मन रुपया मंजूर? सरपंच और का नहीं, गांव को और का कैसे कैसे कहा भरोड़ी करिए मैंने। इसका मतलब ये है कि जायदा की नहीं पिलती है फिर? जायदा की पिले, जायदा तो कही है कि रोड बनवाओ। तो तुम भी तो जा सको, आप पिए सरपंच पिए मैडम पिए, एक भी ना जाए जिनका पानी भरो। अच्छा हाँ, बोटी ना दे, मना कर दे वास्तु, कैसे ना बनेगा रास्तो, ऐसे बनेगा झट भगा दे वहाँ सरपंच, क्या करेगा जबरदस्ती लगाएगा। अब ये थड़ी है, इसमें दो बार गांव जुड़ा है, उसने कहा भाई इसको मैं फुटवाता हूँ और अभी कंप्लीट करवाता हूँ, तो अब ना हम ना फुटवा रहा, क्या करेगा जायदा, क्या करेगी जायदा स्कूल। ये और जो स्कूल जिसके ऊपर बकरियां चल रही है, वो कौन सा स्कूल? बकरिया स्कूल जो रास्ते में, बकरियां कहाँ देखी है उसमें? मैंने देखी है बकरियां अभी चल रही है। वो तो कब्रिस्तान है, साइड में स्कूल नहीं है ना, साइड में आगे आगे कब्रिस्तान है, उसको स्कूल आगे कब्रिस्तान है जहाँ पे बकरियां चल रही है। हाँ कब्रिस्तान है आगे। हाँ बाबा कसको वोट दोगे आपके? जायदा की। जायदा की? हाँ। अच्छे बताओ जायदा से मुलाकात हुई है कभी? हुई है। कब होती है? अभी हुई है, 2-4 दिन हुआ। का कही मुझे कहा कि काम तुम्हारे गए हो, काम तुम्हारे गए हो, काम कहा काम हो बिजली की बाकी जोड़ी बाकी टंकी टंकी की। हाँ परेशान हो टंकी से? परेशान हाँ परेशान हो, और कहा कब से परेशान हो? है ये टंकी वास्वाव भका स्वाव लक्केट बलवाम स्वाव इन बिजली में है, बिजली में है। हाँ तो टंकी नहीं है? टंकी ना है। तो फिर कैसा विकास हो रहा है? बस ऐसे ही हो रहा है भाई, दूर मस्त ज्यादा। कितनी दूर है? उबाका पिए उबाका दूसरा गांव में। हाँ है तो गांव में पर परे मुझ। अरे बाबा गोल गोल घुमा रहे हो आप, सही से नहीं बता रहे हो। चलिए ये कहीं ना कहीं हमारे साथ है जोधपुर गांव की जनता, और कहीं ना कहीं एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि अब की बार टिकट कटना चाहिए, तो एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि एक बार फिर से जायदा सत्ता में आनी चाहिए। खैर देखना ये होगा कि आने वाले समय में अब की बार जो चुनाव है वो किस ओर बैठता है, और अब की बार किसको कामा विधानसभा की जनता विधायक चुनती है ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आप थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए बने ये सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी में बात, कामा जोधपुर।